हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, नया संडे आ चुका है और भाई इसी संडे के साथ हम पहुंच चुके हैं मुकरवा चौक। पता नहीं कौन सा ये शहीद विक्रम बत्रा चौक फ्लाईओवर पे, जो कि पड़ता है भाई करनाल बाईपास जिसे बोलते हैं, थोड़ा आगे से। और आज की जो हमारी राइड होने वाली है वो होने वाली है भाई मुरसल हवेली, क्योंकि भाई लास्ट संडे हम जा नहीं पाए थे। लास्ट संडे भी यहीं की राइड थी, बट हुआ क्या ना यार, जैसे बारिश आ गई थी तो बारिश से जा नहीं पाए थे। और आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेट तो नहीं हुआ पर टाइम से ही पहुंच गया। 6 बजे का टाइम था, अभी टाइम हो रहा होगा 6:56 था, तो टाइम से ही पहुंच गया। और बाकी के अपने जो सारे राइडर थे वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो भाई यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, फराज, करण, ये भाई पता नहीं कौन है, और उधर नितेश भाई जो अपना सूट कर रहे हैं। तो अभी का सीन ये है कि भाई अपने साथ में जो जाने वाली है, एक तो ये रॉयल एनफील्ड है नितेश भाई की, ये मोहित की है भाई एक्टिवा, और ये करण की है भाई ये अपनी है, ये विक्रम की खड़ी है बेताल, और ये फराज भाई की। फराज भाई तो मेरे साथ ही आया, लगभग हम दोनों साथ आया एन एफ सी के रिलेटेड। फराज भाई मुझे मिल गए थे, सर लोग साथ आ गए। तो भाई 2 हफ्ते बाद ही आज हमारी राइड होने वाली है, तो देखते भाई कितना मज़ा आने वाला है यहाँ पे। विक्रम भाई पिछले तो संडे के रह गई थी यार बारिश की वजह से, ऐसा लग रहा 2 महीने हो गए ना, एक संडे भी अगर मिस हो जाता तो भाई कितने टाइम बाद आ रहे हैं यार। बट आज भाई बारिश के दिन में भी, हाँ मौसम अच्छा है, ठीक ठाक है, बढ़िया मौसम है। तो यहाँ पर है भाई फराज भाई, जो कि भाई अपने साथ ही आए नफ्सी के रेड लाइट पे मिल गए थे भाई अपने, और ये अपना लड़का करण मतलब दोस्ती है भाई लड़की टांग खींचनी जरूरी है तू, तेरी तो पता नहीं भाई मैं क्या क्या खींचूंगा। और मोहित भाई क्या हाल चाल? आज बड़े दिनों बाद अपना मोटा व्लॉग हो रहा है भाई। सबसे पहले जो हुआ था ना हमारा, जब हम गए थे वृंदावन तब किया था, और उसके बाद भाई संडे को जा नहीं पाए बारिश की वजह से। तो आज भाई फिर से निकले हैं हम एक संडे को घूमने के लिए, और फिलहाल के लिए बता दो भाई हम जा रहे हैं आज मुरथल हवेली। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर की राइड हम इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई थोड़ा सा ना घूमना फिरना हो जाता है संडे को, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि यार सब जॉब वाले बंदे हैं तो सबको थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। जैसे से टाइम मिलता है हम उसको अपना मतलब मैनेज करते हैं, फिर अपना थोड़ा सा संडे के लिए सुबह वो टाइम निकालते हैं घूमने के लिए, तो मज़ा सा आ जाता है भाई अपना ना, बढ़िया दिन हो जाता है। अब यार काम करते रहो, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, तो माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं भाई रिलैक्स करने के। अब जैसे मेरा तरीका है, हमारा तरीका है भाई, हम संडे को स्कूटी लेकर अपना घूमने निकल जाते हैं, बाइक लेकर घूमने निकल जाते हैं, कोई कहीं जाता है घूमने, कोई कुछ करता है, तो सबके अपने तरीके हैं, तो अपने को भाई इसी में मजा आता है। फिलहाल अभी आगे में चल रहे हैं भाई करण विक्रम और साथ में भाई फरहाज, जो कि भाई मेरे साथ ही आए थे। और आज हम राइड पे ज्यादा लोग नहीं है, 3 लोग बीच आगे चल रहे हैं, सामने दिख रहे होंगे आपको करण है, विक्रम है, फरहाज है, और अगर शीशे में देखोगे तो पीछे नितेश भाई आ रहे हैं, नितेश भाई के पीछे मोहित भाई नितेश भाई देख रहे हैं शीशे में। तो नितेश भाई बढ़िया व्लॉगिंग करेंगे आज, नितेश भाई ने लिया है GoPro 9, मोहित आ गया अपने पीछे पीछे में भाई। तो आज की जो राइड है बढ़िया होने वाली है। वैसे भाई मैं बता दूं, जहाँ हमारा मीटिंग पॉइंट था ना आज का, ये मेरे घर से मतलब मेरे लिए पड़ाता है, मेरे को फराज को करीब करीब 30-35 किलोमीटर, और यहाँ से 35-40 किलोमीटर की और आगे की राइड है हमारी। तो मतलब टोटल जो वन साइड राइड बनेगी ये होगी 70 किलोमीटर के अप्रोक्स। भाई यहाँ पे ना एक चीज हो रहा है, इस वाले हाईवे पे आ गया करनाल बाईपास, मतलब जीटी रोड इसको बोलते हैं, जैसे कि देख रहे हो जालंधर पानीपत, तो यहाँ पर आगे ना भाई ऐसा मन करता है कि अभी बस किसी लंबी राइड पे निकल जाओ, यहाँ से रुको मत, क्योंकि ये सीधा रोड जाता है भाई हिमाचल जम्मू पंजाब, तो यहाँ पर भाई ऐसा लगता है कि सीधा सीधा चले जाओ यहाँ से, कहीं रुको मत, और मतलब हिमाचल की ट्रिप हो जाएगी अपनी बढ़िया। वैसे कसौली की ट्रिप हम कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कसौली अप्रोक्स पड़ता है 250 किलोमीटर घर से मेरे, अराउंड 250 दिखा रहा, तो मान लो कि 270 तक मान लो कि इतना हो सकता है। तो कभी देखते हैं, बनाएंगे प्रोग्राम कभी, मतलब एक लॉन्ग ट्रिप कभी, और बहुत जल्दी एक लॉन्ग ट्रिप भी मैं करने वाला हूँ, या तो देखो कोई साथ में होगा मेरे, या हो सकता है मैं सोलो करूँ, लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक सोलो ट्रिप सॉरी लॉन्ग ट्रिप करने की, क्योंकि यार इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। तो देखते हैं भाई अभी क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वैसे तो कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, या तो सोलो राइड करूँगा या देखता हूँ कोई चलेगा तो अगर साथ में, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती है कि भाई सारे जॉब वाले बंदे हैं तो सबको छुट्टी का इशू रहता है, क्योंकि यार 2-3 दिन की छुट्टी लेना इट्स नॉट एन ईजी। तो देख
करते हैं भाई, कोई करते हैं लंबी राइड प्लान। और बाकी का भाई सीन ये है कि अभी विक्रम ने इशारा दिया है कुछ स्लो डाउन करके रुकने के लिए, क्या हुआ है देखते हैं। कुछ कहना चाहते हो क्या भैया? यहीं लगा देता हूँ पीछे की साइड। राज भाई मैं चलाऊंगा एक्सेस आपकी, है ना, आ जाओ आप। तो यहाँ पर भी स्कूटी एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, मैं चलाने वाला हूँ फराज भाई की एक्सेस 125। ये भी 125 सीसी है भाई और ये भी 125 सीसी है, लेकिन दोनों के ना चलाने फन है। तो अभी देखते हैं, मैं चलाऊंगा सुजुकी एक्सेस 125। चलो फराज भाई आप ये चलाओ, मैं ये चलाता हूँ भाई। इसकी हैंडलिंग तो बहुत सही है यार, तो हैंडलिंग में ही बहुत फर्क है। अच्छा ओके, तो चलो भाई अब मैं चलाने वाला हूँ भाई सुजुकी एक्सेस पे मैं आ गया हूँ। और इसका जो सिटिंग पोस्चर है भाई बहुत कंफर्टेबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू एंटोर्क इट्स वेरी कंफर्टेबल। और इसके अंदर जो मीटर है भाई वो है एनालॉग मीटर। तो अभी भाई सब लोग आगे निकल गए हैं, और मतलब ये भी बहुत सही स्कूटी है यार एक्सेस भी 125। लेकिन ये जो पुरानी वाली ना ये ज़्यादा अच्छी है, जो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ नई के करवा रखे हैं, मतलब हल्का सा भी लगाऊंगा तो जब ही रुक जाएगी। बढ़िया है, ब्रेकिंग भी अच्छी है भाई इसकी और सिटिंग पोस्चर भी अच्छा है, मतलब हर चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो स्कूटी एक नंबर लगी हुई है। और भाई ने रैप कैप भी अच्छा करवा रखा है, अच्छी खासी बना रखी है इसको। तो सभी लोग आगे निकल गए हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको भी खींचता हूँ अभी और देखते हैं इसका जो बैलेंस है वो कैसा है, क्योंकि एंटोर्क तो थोड़ी सी जमीन पर दब के चलती है, उसका मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन बच्ची चल रही है, ये भी थोड़ी सी मतलब एक होता है ना जैसे बंप करके चलना या थोड़ी सी मतलब लहरा के चलना, तो वो चीज़ इसमें नहीं है एक्सेस के अंदर भी। आप उसको अगर लॉन्ग राइड के लिए भी और खरीदना चाह रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो खरीदने की, तो रिकमेंडेड है भाई, ले सकते हो। मतलब मैंने इतनी सी राइड में बता दिया, क्योंकि ये जो राइड है ना हम हाईवे पे कर रहे हैं, और अगर हाईवे पे कोई चीज़ अगर समझ में आ रही है चलने पे, तो ये लोकल के लिए भी ठीक है और हाईवे के लिए भी, तो रिकमेंडेड कर सकते हैं भाई। ये मत कहना कि अभी छोटी सी राइड करी और तुमने भाई अभी से बोल दिया रिकमेंडेड, तो रिकमेंडेड है। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रैच लेता हूँ, क्योंकि सब लोग काफ़ी आगे निकल गए, तो मैं भी थोड़ा सा उनको कैच करने की कोशिश करूँ। अभी जो स्पीड है भाई देखो 70-80, और स्कूटी के लिए भाई 80-90 तक स्पीड ना इनफ होती है, 100 तक भी। तो ये आराम से देखो भाई इजीली 80 पहुंच गई, और कोई मतलब इसमें जो है ना लहराव जो आता है, मतलब लचक जो आती है हाईवे पे स्कूटी है बाइक में, वो चीज़ नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, वापस से एक्सेस से भी मैं आ चुका हूँ अपनी वापस एंटोर्क पे। और अभी का जो मैं सही बताऊँ फील ऐसा आ रहा है ना जैसे स्कूटी से वापस बाइक पे आ गया। एंटोर्क की मैंने एक चीज़ देखी, जब मैंने पहले मोहित भाई की वो चलाई थी एक्टिवा, तब भी मैं जैसे चला के उसको इस पर आया था तो मुझे ये हैवी लगी थी, और एज एक्सेस चला के इस पर तो भी हैवी है भाई, ये हैवी है। और मैं भाई रिकमेंड करता हूँ आप एंटोर्क को आँख बीच के ले सकते हो, एवरेज भी भाई ठीक निकाल देती है। वैसे मैं एवरेज पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब ये कितना एवरेज देती है एवरेज के लिए एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, और साथ में एक वीडियो बनाऊंगा भाई इसकी टॉप स्पीड की कितनी जाती है। और भाई मतलब इसको चला के ना पूरा बाइक वाला ही फील आता है भाई एंटोर्क को। फराज भाई भी यही बोल रहे थे कि भाई इसको चला के तो बाइक वाला फील आता है, क्योंकि वो लाइट है, ये थोड़ी सी हैवी है, रोडों से रोड को दबके चलती है, और ये जो बनी है थोड़े से स्पोर्ट्स के लिए ही बनी है। इसका नाम भी है TVS रेसिंग, TVS खुद इसकी। भाई फिलहाल अभी राइड करते करते और हम पहुंच चुके हैं अभी हवेली, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है आज की। तो फिलहाल अभी सभी लोग आगे निकल गए हैं, बस मैं फराज थोड़ा सा पीछे थे क्योंकि बातें करने लग गए थे। तो ये अपनी लोकेशन है भाई आज की फाइनली हवेली, तो यहाँ पर हम जाएंगे अभी अंदर पार्किंग में लगाते हैं सबसे पहले, तो यहीं से ही लगा देता हूँ पहले तो कीचड़ पानी बस के पीछे से ले। गिलहरियाँ कितनी सही लग रही है चलती। तो फिलहाल अभी पार्किंग में जा रहे हैं भाई, पार्किंग कहाँ बना रखी है वो भाई, पार्किंग तो बढ़िया जगह बना रखी है पीछे की साइड, तो शांति है यहाँ पे थोड़ी सी। भाई साहब
भाई फाइनली यहाँ पे लगा दी अपनी स्कूटी पार्किंग में। तो ये देखो भाई किस तरीके से लगा दी, यहाँ पे लाइन अप अपना लगा दिया है। और अभी चलते हैं इधर से भाई अंदर की तरफ में है, बाकी के जो हवेली का जो सेटिंग वगैरह है वो अंदर चलते हैं। अभी अंदर चल के मिलते हैं आपसे। भाई फाइनली बाइक लगा के मतलब स्कूटी लगा के पहुँच गए अभी हवेली पे, और बिल्कुल सामने खड़े हैं हमारे एंट्रेंस और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे एक हाथी है जिसके ऊपर मतलब सवारी कर सकते हैं, नकली है भाई मजाक कर रहा हूँ। और ये कुछ बाहर का व्यू है, बाहर कुछ इस तरीके की शॉप वगैरह है, बाकी सारे राइडर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। भाई यहाँ पे देखो सबसे अलग चीज़ खड़ी है, ये देखो भाई विंटेज कार जो कि बहुत पुराना मॉडल है, पता नहीं कौन सा मॉडल होगा, लेकिन भाई का जबरदस्त लग रही है। तो फिलहाल अभी यहाँ से लेते हैं एंट्री और चलते हैं अंदर की तरफ। ये चेक करो भाई एक बार कर, ये यहाँ की कुछ इस तरीके की एंट्री, एक नंबर जबरदस्त। भाई फाइनली पहुंच गए हवेली में, अंदर आ गए। और भाई साहब यहाँ का जो सेटिंग मतलब दिखाता हूँ आपको, क्या जबरदस्त है। मतलब बहुत से ढाबे पे हम गए, बहुत रेस्टोरेंट पे गए, लेकिन भाई इस जैसा नहीं देखा। अब आप देखो सीधा नजारा। भाई ये चेक करो एक बार, देखो बरनी है, बरनी पे लिखा है जीभ ते लगिया, मतलब इसके अंदर है नमक, नमक इश्क दा। और जो दूसरी बरनी है भाई इस पे लगा है तन्नु मिर्ची लगी तो मैं की करा, मतलब इसमें मिर्ची है। मतलब भाई देख रहे हो कितना बढ़िया लगा भाई, एक नंबर की चीज बना रखी है। तो बरनी में मतलब बरनी भी अच्छी लग रही है भाई, पुराने टाइम में ऐसी यूज होती थी, आज के टाइम में तो नहीं होती। मोहित भाई पराठे सब पराठ भाई मैंने नहीं लिया, तुमने ही रखा है। आगे का नहीं बोलेगा भाई, आगे का कोई नहीं बोलेगा। तो भाई फिलहाल यहाँ पे मैं बता दूं, आलू प्याज पराठा अपना आ चुका है, सबके पराठे आ चुके हैं भाई, बार देख लो आप। और भाई ये पीछे पड़ गया भाई मेरे डोसे के, पराठा छोटा है लेकिन टेस्ट देखते हैं कैसा है, क्योंकि यार देखो उसका होटल हाईवे किंग का थोड़ा सा बड़ा था पर प्रीमियम नहीं था। मतलब डोसा खाया आपका? डोसा भाई, डोसा हमने आज ऑर्डर ही नहीं करा। नहीं आप तो हेल्दी वेल्दी के लग रहे थे कुछ। भाई अभी जिम नहीं जा पा रहा मैं, 10 दिन हो गए मेरे को, तो इसके से मैं अभी खा रहा हूँ अनहेल्दी। अनहेल्दी अनहेल्दी है भाई पराठा मेरे लिए, मेरे लिए तो अनहेल्दी है ना भाई। आपका डोसा खाया पहले बताओ मेरे को। गद्दारी कौर में बात खत्म, द एंड कर दिया मोहित भाई ने। नहीं मतलब ये तो मैंने देख लिया। हाँ। अभी ये मोहित भाई का पराठा भी इन्होंने ले लिया था भाई, मैंने ही नहीं लिया था, उन्होंने रखा था आगे देने के लिए। देखा कल भाई चीटिंग, देखो चीटिंग, ये मतलब अपने ब्लॉग में झूठ बोल रहा है भाई, अपने ब्लॉग में झूठ बोल रहा है मेरे लिए। हाँ इसके रिपोर्ट मार दो चैनल की, करण मार दो आज। उस दिन तूने उसके करण रात के चैनल की लगाई थी ना रिपोर्ट, भारद्वाज के चैनल को रिपोर्ट मारना, ठीक है सर्च करना करण भारद्वाज, उसके चैनल को रिपोर्ट मारना, सॉरी चैनल को मत मारना। वो क्या था DKL Vlogs 2003 ऐसी कुछ है इसका नाम चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। दो पराठे खा रहा भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है। भाई अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर आ गई है अपनी चाय, आ गई है आलू प्याज का पराठा आ गया है। नितेश भाई अचार की बरनी, दो अचार की बरनी पे भी देखो कुछ ना कुछ स्लोगन, ये देखो भाई ये है अचार, और अचार की बरनी पे जो लिखा है ना भाई मिक्स अचार बेबे दा प्यार, मतलब भाई फील देख रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं जैसे घर वाला फील है भाई। बरनी नहीं भाई, बरनी पे ना स्लोगन अच्छे अच्छे लिखे हुए, पढ़ के देखो आप, जबरदस्त लिखे हुए, वही मैं चेक कर रहा था। आप चेक करो, मैं पराठा शुरू करता हूँ भाई। यहाँ पर आप सभी के पराठे हो चुके हैं फिनिश, तो भाई लगाई प्लेट प्लेट सब उठा दी भाई, हमारे उठने से पहले ही पहले प्लेटें उठा दी भाई, तो शूट भी नहीं कर पाए। तो फिलहाल अभी यहाँ थोड़ी देर में निकलते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, वो लॉन्ग अभी ना एक लॉन्ग राइड की प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन जाए, कैसे जाएंगे, तो अभी उसी की प्लानिंग चल रही है। काम ऐसा करो कि चार लोग, सही बात है भाई, चार नहीं 400 देखे 400,000 भी देखे, हाँ ऐसा काम करो तगड़ा। नहीं भाई देखेंगे वो भी टाइम है, अभी फिलहाल एक प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, उसके बाद बताते हैं।
भाई यहाँ पर ना ये भाई हवेली मुरथल सॉरी कौन से हवेली है ना हवेली पे है जलंधर वाले रोड पे। तो यहाँ पे किसी का एक कावासाकी का बैग और ये कुछ पैसे और ये गॉगल्स रह गए हैं। तो भाई ये पार्किंग में ये भी काउंटर पे जमा करवा देंगे, वहाँ से आप आके कलेक्ट कर लेना। और ये नोट पे काउंट कर लेते हैं कितने पैसे हैं। 4000 कुछ एड्रेस वगैरह कुछ होगा इसमें, कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो देख लो। तो भाई ये कोई भूल गया यहाँ पर अपना जो कि इस गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था। तो यहाँ पे दो भाई हैं सिक्योरिटी गार्ड, जो आप अपना नाम भी बता दो। विनोद है जी। विनोद और आपका? हाँ जी धीरज। ठीक है विनोद और धीरज जी है भाई, इनसे आके कॉन्टेक्ट कर लेना। पार्किंग मिलेंगे 4750 रुपए भाई, 4770। ठीक है एक चश्मा भाई, एक गॉगल्स है और ये कावासाकी का बैग है। तो भाई अभी निकल गए हैं घर के लिए और फिलहाल अभी चढ़ गए हम हाईवे पे। तो यहाँ से अभी कुछ राइडर्स आ गए हैं, बाकी दो पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ से सीधा घर ही जाएंगे, अब तो कोई रुकना नहीं है। और हमारे राइट साइड में हम सुखदेव को तो भाई कई बार आ चुके थे इसलिए हम गए नहीं इस बार। हम ना हर बार एक नया एक्सपीरियंस करते हैं, नई जगह जाते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। आज हवेली गए थे जो कि काफ़ी अच्छा था और मतलब लग्जूरियस था, सिटिंग वगैरह अच्छी थी, पराठा भी अच्छा था वहाँ का। वैसे तो ये फीडबैक मेरे को तभी देना था पर ठीक है। और ऑलमोस्ट जो चीज़ अभी हमने एक नोटिस करी है ना भाई, सब जगह आप कहीं भी चले जाओ पराठा वगैरह अगर आप लेते हो तो भाई टेस्ट आपको सेम ही मिलेगा। बटर भी सेम ही रहता है इनका, पराठा भी सेम रहता है, मतलब ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही मिलेगी आपको, कुछ डिफरेंट नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो बढ़िया था एक्सपीरियंस, अच्छा था। अभी फिलहाल यहाँ से घर हमारा रह गया है 52 किलोमीटर अप्रोक्स होगा, तो पहुँच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। और ये फरहाज और फरहाज के साथ में भाई अभी ड्रैग रेस हो रही है बेताल की, यानी कि जो ये है अपना विक्रम, ये दोनों यहाँ पे छोटी सी ड्रैग रेस कर रहे हैं। ड्रैग रेस नहीं मतलब कि ये देख रहे हैं कि भाई मैं ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखो जब हम राइड पे निकलते ना, हम क्या मतलब कोई भी देखो राइड पे निकलता है तो जरूरी नहीं है हमेशा अच्छे होते हैं, हम सिर्फ आपको दिखाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। पर राइड पे जब निकलते हैं तो भाई अच्छी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आपको दिखाते हैं, नेगेटिव हम इसलिए नहीं दिखाते भाई। देखो आपको दिखाएंगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्या पता आपका ये मानो आप ना करो फिर उस चीज़ को। तो हमारे लेफ्ट साइड में सबसे पहले मंदिर आ गया खाटू श्याम जी का, दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर, तो दर्शन कर लेते हैं। बोल खाटू श्याम की जय, खाटू नरेश की जय। तो बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए भाई, अंदर जाने का अभी कोई टाइम है नहीं तो इसलिए बाहर से दर्शन कर लिए। तो मैं ये बता रहा था भाई, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोड पे जब हम चलते हैं तो सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ ना, मैं छोटी सा इंसिडेंट बताता हूँ। देखो मोहित भाई हैं अपने जैकेट वाले हैं, ये भाई फुल तो राइडिंग जैकेट पहनते हैं, ये अंदर इन्होंने नी स्लीव्स एल्बो स्लीव्स भी पहना हुआ था पूरा का पूरा। तो हुआ क्या भाई, इनकी जैकेट में पता नहीं कहाँ से मधुमक्खी आ गई, उनके दोनों हाथ पर ना 2-3 जगह उन्होंने उसमें मधुमक्खी ने काट लिया। तो वैसे तो हमने भी चाबी वगैरह रगड़ दी क्योंकि वो कहते हैं कि स्टील रफ पर रगड़ दो तो वो जल्दी थोड़ा ठीक हो जाता है। हाँ थोड़ा पेन होता है उसमें, बहुत थोड़ा नहीं कहूँगा बहुत पेन होता है, बट वो ठीक हो जाएगा। आप जाके या तो टिटनेस के इंजेक्शन ले लेंगे या फिर कोई मेडिसिन वगैरह ले लेंगे, पेन किलर वगैरह डॉक्टर से पूछ के। तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये दिखाते हैं, तो बस मुझे इतने बताना था अभी की वीडियो में आपको। और अभी तो चल रहे हैं घर की तरफ, बाकी नितेश भाई वगैरह सब आगे निकल रहे हैं, मैं भी थोड़ी सी स्पीड बना के आगे निकलता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है अभी 10:40। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं वापस से करनाल बाईपास, और आज की जो राइड थी भाई बहुत बढ़िया रही, बहुत मज़ा आया हमें राइड पे, जगह भी थी वो एक नंबर थी। तो फिलहाल अभी सभी को कर देते हैं टाटा बाय बाय क्योंकि सबके रूट अलग अलग है, बस फराज भाई मेरे साथ जाएंगे। ओके नितेश भाई, फराज भाई साथ चल रहे हैं। तो भाई तब तक के लिए टिल डन बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल डन बाय 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 बाय।